हेलो एवरीवन दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन द पीरियोडिक टेबल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था मोजली ने सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियडिक फंक्शन होती हैं उन एलिमेंट्स के एटोमिक नंबर्स के तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था मैंडलीस पीरियडिक लॉ मेंडलीस पीरियडिक लॉ कहता था कि फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जो होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियडिक फंक्शन होती है लेकिन मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर्स के पीरियडिक फंक्शन होते हैं न कि एटॉमिक मासेस के तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स अरेंज करोगे एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगी फिर से एक जैसी प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो ये कहता है मॉडर्न पीरियडिक लॉ और इसी मॉडर्न पीरियडिक लॉ के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल और उसी टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और ये किसने दी मोजलि ने नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं तो इसके फीचर्स क्या हैं मीन्स क्या क्या इसकी खासियत है क्या क्या चीजें इसमें हैं तो द फर्स्ट थिंग इज पीरियड्स तो पीरियड्स हॉरिजोनटल रोज को कहते हैं तो इसमें सेवन हॉरिजोनटल रोज हैं एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल जो होती है उसमें सेवन हॉरिजोंटल रोज हैं और इन सेवन हॉरिजेंटल रोज़ को ही हम कहते हैं पीरियड्स उसी तरीके से ग्रुप्स तो मॉडर्न पीरियड टेबल में एटीन वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स तो इन एटीन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं और इन सेवन हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं अब यहाँ पे सेवन पीरियड्स जो होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके सेवन पीरियड्स होंगे उसी तरीके से वन से लेके एटीन तक के आपके पास ग्रुप होंगे इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं जैसे वन ए वन बी एन सोन तो और क्या क्या इन पीरियड्स के बारे में आपको जानना है जो आपके पीरियड्स होंगे उनसे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है क्या इंफॉर्मेशन मिलती है पीरियड से आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ शेल्स तो जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स उतने ही होंगे अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो उसमें एक ही शेल होगी सेकेंड पीरियड में है तो दो ही शेल्स होंगी थर्ड पीरियड में है तो तीन शेल्स होंगी फोर्थ पीरियड में है तो चार सेल्स होंगी एंड सो ऑन उसी तरीके से जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स का नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं मतलब जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका आपको पता चलता है ग्रुप से अब कैसे पता चलता है कि अगर आपके पास जो ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे एक अगर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे टू अगर थर्टीन ग्रुप का एलिमेंट्स है तो थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे थ्री फोर्टीन ग्रुप में फोर फिफ्टीन ग्रुप में फाइव सिक्सटीन ग्रुप में सिक्स सेवनटीन ग्रुप में सेवन तो ये आपको बताने का तरीका है ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा कि किसी एलिमेंट में अगर ग्रुप नंबर ये है तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होंगे फर्स्ट ग्रुप वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड ग्रुप टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड के बाद आपको सीधा थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन पे आ जाना है थ्री फोर पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे हमको मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं तो फिलहाल हमको थ्री टू टेन ग्रुप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है ना अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इन ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी खास नाम से जाना जाता है जैसे फर्स्ट ग्रुप को तो इसका नाम आपको याद रखना है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स सेकेंड ग्रुप के हम एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसी तरीके से हम सेवेंटी ग्रुप के पास चले जाते हैं जिनको हम कहते हैं हेलोजेंस सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंथ ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस तो ये कुछ स्पेशल नाम है जो आपको याद रखना है और आपको क्या रखना है ग्रुप नंबर थ्री टू टेन थ्री से लेकर टेन तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पीरियड्स के बारे में तो पीरियड्स के बारे में आपको एक और चीज जाननी है फिफ्थ पीरियड में एक सीरीज होती है एलिमेंट्स की जिनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और उसी तरीके से सिक्स पीरियड में भी एक सीरीज आती है एलिमेंट्स की जिनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज तो दो हमारे पास सीरीज हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज फिफ्थ पीरियड में आती है एक्टेनॉइड सीरीज सिक्स पीरियड में आती है और लेंथेनॉइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फोर्टीन होंगे और उसी तरीके से एक्टेनॉइड में भी फोर्टीन एटम्स होंगे तो फोर्टीन फोर्टीन एटम्स की दो सीरीज़ आपके पास हैं जिनको आप कहते हो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स उसके अलावा अगला पार्ट जो आपके पास है वो है कॉज ऑफ पीरियडिसिटी बट इससे पहले ये जो पीरियड और ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ गया पूछा गया है कि भाई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है तो आपको बताना है इसका पीरियड कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा तो कैसे बताएंगे सबसे पहले हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रग्रेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिग्रेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट में होंगे टू सेकेंड में एट थर्ड में एट और फोर्थ में टू तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए वन टू थ्री फोर तो आपको क्या बताया था मैंने पीरियड से आपको क्या पता चलता है नंबर ऑफ शेल्स या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो नंबर ऑफ शेल्स से क्या पता चलेगा पीरियड तो कितने शेल्स हैं फोर शेल्स हैं तो इसका मतलब कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा दैट इज फोर्थ पीरियड उसी तरीके से अगर आपको पूछा गया ग्रुप कौन सा है इसका तो आप देख सकते हो ग्रुप से किस चीज का पता लगता है वो पता लगता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस कालेक्ट्रॉन कितने इसमें टू तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, से आप ग्रुप का पता लगा सकते हो टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप को तो आपको पता चल गया कि ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपको एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 15 तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका पीरियड कौन सा होगा कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा और कौन से ग्रुप को वो बिलोंग करेगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कॉज ऑफ पीरियडिसिटी मतलब जो ये पीरियडिसिटी होती है उसका रीज़न क्या होता है मतलब क्यों एलिमेंट्स की पीरियडिक प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होने लगती हैं तो इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास है जबकि मैंडलीव पीरियडिक लॉ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था वहाँ पर मैंटली ये बताने में भी सक्सेसफुल नहीं था कि क्यों जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं अब तो हमको ये भी पता चल गया कि प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं तो पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या हो सकता है तो पीरियोडिसिटी का एक सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं ऑन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि आप उस एलिमेंट के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज करते हो तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होता है एलिमेंट्स का वो कुछ इंटरवल के बाद वापस सेम हो जाता है रिपीट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक एलिमेंट की जैसे लीथियम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है टू सोडियम का होता है टू पोटेशियम का होता है टू एट एट वन सिमिलरली रुबीडियम का होता है टू एट एटीन एट वन तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोशन में वो सेम है सबके तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी एक जैसी होंगी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो जिस हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स को भी अरेंज करोगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रग्रेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रगेशन पर ही डिपेंड करेंगी तो इसका मतलब कुल मिला के जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं एटॉमिक नंबर पर तो यही रीज़न है पीरियोडिसिटी का कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं ना कि एटॉमिक मास पे तो एटॉमिक मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं तो उसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो गया तो एटॉमिक मास कम हो जाएगा लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मास पर तो डिपेंड करेगा नहीं तो इसी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी न कि एटोमिक मास पर अब हम आ जाते हैं सम इम्पॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ तो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट होने लगती हैं अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं उन्हीं की बात हम करेंगे उन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हो तो उनमें सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें कि एटॉमिक रेडियस होता है क्या है क्योंकि सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एटम है इस एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटोमिक रेडियस तो यही क्या हो गई एटम की रेडियस हो गई एटॉमिक रेडियस हो गई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है दूसरी चीज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है तो आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो जब भी कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम अब ये आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होता है आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग बाकी एटम से जो अलग होगा और गैसेस ऑब्वियसली अगर एटम्स बाकी आइटम्स से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो गैसेस स्टेट में तो अपने आप ही आ जाएंगे तो इसीलिए हम कहेंगे इसको आइसोलेटेड गैसेस एटम क्योंकि उसका आइसोलेटेड होना जरूरी है अदरवाइज अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है तो तब हम उसकी आयोनाइन पोटेंशियल ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम को कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए तो आपको पता है कि अगर एक गैसेस आइटम है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो अगला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपोजिट है किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा तो कभी भी अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं यहाँ पे एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो एनर्जी क्या करता है जनरली रिलीज करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आप कह सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम गेंस एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन एन आयन एन आयन मतलब एक नेगेटिव आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक एटम तो नेगेटिव आयन ही फॉर्म करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी उसको रिलीज़ करनी पड़ती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब भी वो किसी कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होता है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे जैसे एच है तो यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड है कोवेलेंट बॉन्ड है किस किस के बीच में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में अब होता क्या है क्लोरीन की जो टेंडेंसी होती है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे क्यों क्योंकि इन दोनों को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए बट क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रखी है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक को नहीं मिल सकते हैं दोनों को ही शेयर करने पड़ेंगे बट अगेन जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी अट्रैक्ट करने की भाई क्लोरीन तो ज़्यादा ताकतवर है किससे हाइड्रोजन से तो क्लोरीन क्या करेगा उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा भले ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बट फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ इसकी वजह से क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज पेयर हो जाता है हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है तो मैं ये कहूँगा क्योंकि क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं द नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कितना इजीली उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसी को हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर सो मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपोजिट है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन कितना इजीली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम क्या कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहेंगे अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टीज वेरी किस तरीके से करती हैं तो भले ही अभी आपके सिलेबस में बहुत डिटेल्स में नहीं है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज होते जाते हैं उसी तरीके से आयोनाइेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है लेकिन टॉप टू बॉटम आयोनाजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है सिमिलरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है तो आपने जनरली देखा होगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है डिक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती रहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर तो लेफ्ट में जो होंगे वो हो, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उन्हीं में होगा तो लेफ्ट में ये दो ग्रुप्स होते, है, होते हैं एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक होते हैं इनमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है इंक्रीज होती है तो इसीलिए जो सबसे राइट में जो एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे राइट में होता है फ्लोरीन आप एटींथ ग्रुप को मत देखिए एटीन ग्रुप कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं तो एटींथ ग्रुप एटीन ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं तो फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है फ्लोरिन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं होता है तो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आपको एटलीस्ट डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए तो इस लेक्चर में इतना ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच